दोस्तों आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप लोग इस 2021 में इस आईफोन 8 को लेने के सोच रहे हैं तो इस वीडियो का आप लोग ज़रूर देखिए, आपको यह वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितना हो सका रिव्यू इसका पूरा किया हूँ। अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखने का मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन को मैं ख़रीदा कहाँ से हूँ। इस फ़ोन को मैंने OLX से ख़रीदा है और ये फ़ोन एक साल पुराना है। तो आप लोग भी कोई सेकेंड हैंड मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे इस फ़ोन का रैम मिल जाता है 2GB, 64GB इसका रॉम है, A11 बायोनिक चिप जो कि आईफोन 10 में मिलता है, और उसी के साथ 1821mAh का बैटरी इसमें मिल जाता है। आईफोन 8 के बैक में आप लोगों को मिल जाएगा 12 MP का f1.8 अपर्चर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग कैमरा ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं फोटो मिल जाएगा, उसके लेफ्ट साइड में वीडियो मिलेगा, उसके लेफ्ट साइड में आप लोगों को स्लो मोशन मिलेगा, और उसी के लेफ्ट साइड में आपको टाइम लैप्स मिलेगा। और एकदम राइट साइड के बारे में बात करें तो राइट साइड यहाँ पे स्क्रॉल करने से यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा और पैनोरामा मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ कैमरा सैंपल दिखाता हूँ। ये आईफोन 8 का 7 MP फ्रंट कैमरा से लिया हुआ सेल्फी है, ये भी एक सेल्फी। उसके बाद ये बैक कैमरा से लिया हुआ एक फोटो है, ट्राइपॉड पर फोकस दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं डायनेमिक रेंज कैसा है। और क्लाउडी सा बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा था तो ऐसा यहाँ पे फोटो निकल के आया है। और एक फोटो देखिए, यहाँ पे फोकस देके रखो, पीछे का देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से ब्लर हुआ है। ये एक मैक्रो शॉट देने की कोशिश किया था, यहाँ पर एक से सामने कितने अच्छे तरीके से फोकस है। तो गाइस ये इसका फ्रंट कैमरा और मैं यहाँ पे गोरिल्ला ट्राइपॉड के ऊपर इस कैमरा को लगाया हूँ, मतलब फ़ोन को। और ये भी देख सकते हैं फ्रंट कैमरा HD 30fps में रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब फुल HD, और हवा भी चल रहा है थोड़ा बहुत। और अभी जो है सन एकदम ऊपर नहीं है, क्लाउडी सा मौसम में भी हो रहा है। तो कोई भी माइक यहाँ पे अटैच नहीं है, डायरेक्ट ये फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा है। और आप लोग यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा कर सकते हैं इस कैमरा से। सो गाइस अभी जो ये रिकॉर्ड हो रहा है 4K 60fps पे। तो कोई नहीं, ये 4K क्वालिटी में भी रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं वैसे ही यहाँ पे पोजीशन में है ये, और कोई भी माइक यहाँ पे अटैच नहीं, और वही क्लाउडी सा वेदर। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे वीडियो का फुटेज आप लोगों को मिल रहा है, कितना वाइड यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। मैं एकदम अपने हैंड को फुल एक्सटेंड कर चुका हूँ और इसमें OIS पे भी वर्क कर रहा है। OIS है इसके बैक कैमरा, जैसे कि पहले बता दिया हूँ। और अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे पैदल चल रहा हूँ, कैसा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये फुटेज देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे पैदल चल रहा हूँ और मेरे हाथ में फ़ोन है, और ट्राइपॉड भी देख सकते हैं मेरे ही साथ में। और मैं फोकस भी देख सकते हैं कितने ज़ोर से यहाँ पे जल्दी से हो जा रहा है, जैसे कि देख सकते हैं मैं जब भी ट्राइपॉड को सामने जा रहा हूँ एकदम ये फोकस में आ जा रहा है। और जितना भी पास लाऊँ देख सकते इतना दूर ये फोकस पर ले सकता है, उससे ज़्यादा मैं लाऊँ यहाँ तक भी फोकस पर ले रहा है ये कैमरा, उससे सामने लाऊँ तो यहाँ तक भी इसने फोकस दिया है, उसके सामने अब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन इतना देर, मतलब इतना दूर तक डिस्टेंस में, मतलब इतना बहुत पास है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं फोकस यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से लिया है। इसको हटा देने पर पीछे का एकदम बैकग्राउंड एकदम फिक्स है, फोकस में आ जा रहा है। और मैं ऐसे पैदल चल रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा भाग के दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैसा स्टेबलाइजेशन आप लोगों को पता चल जाएगा। तो नॉर्मल जो है ठीक ठाक ही मुझे अभी लग रहा है यहाँ पर स्क्रीन में देखने को, लेकिन पैदल जब चलता हूँ तो एकदम पूरा स्टेबल यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड होता है। और इसका जूमिंग कैपेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं कितना जूम होता है। तो फुल जूम करने के बाद भी देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी शेक नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें OIS अभी वर्क कर रहे हैं। OIS इसमें है इसलिए बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। और यही इसका फुल जूम है मैक्सिमम। तो आईफोन 8 में आप लोगों को मिल जाएगा 4.7 इंच का 720p पैनल, जिसका 326 PPI है, और इसका पीक ब्राइटनेस है 625 nits, जो कि आप लोगों को आउटडोर में काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी देगा। तो गाइस अभी मैं इंडोर में हूँ और यहाँ पे हाफ़ ब्राइटनेस को मैं किया हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी मिल रहा है इस आईफोन 8 के डिस्प्ले से। अगर आप लोग घर के अंदर है तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ये दिख रहा है, मतलब डिस्प्ले। और अगर घर के बाहर जाते हैं तो भी आप लोग फुल ब्राइटनेस में बहुत अच्छी तरह से दिखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक ही प्रॉब्लम है जो है इसका डिस्प्ले साइज़। तो गाइस जब आप लोग कोई सेकेंड हैंड आईफोन या फिर रिफर्बिश्ड आईफोन लेने जा रहे हैं तब आप लोग एक चीज़ देख लेना कि उसका बैटरी हेल्थ या फिर बैटरी कैपेसिटी 82% से ज़्यादा हो, नहीं तो आपका बैटरी जो है बैकअप बहुत ही कम देगा। तो मेरा जो 84% है काफ़ी ठीक है, जब ये 79 या फिर 80 से नीचे चला जाएगा तब बैटरी बैकअप बहुत कम देगा और तब मुझे बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी देखना है इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। तो यहाँ पे देख सकती है 3 साल पुराना आईफोन, इस पर पबजी को इंस्टॉल किया हूँ, और यहाँ पे ग्राफिक्स में आते हैं और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम में सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें A11 का बायोनिक चिप है और यहाँ पे HDR के साथ अल्ट्रा। तो हम लोग इसको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम पे रख देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपना फ़ोन का चार्ज कितना है, यहाँ पे 2:01 है और 83% यहाँ पे चार्ज है। तो जल्दी से TDM मैच हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे।
तो गाइस इस स्मूथनेस को समझने के लिए आप लोग यूट्यूब पे आपका सेटिंग जो क्वालिटी है उसको 60 FPS पे कीजिए, 720p 60 FPS वहाँ पे कीजिए या फिर 1080p, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कितना ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि एकदम 60 FPS यहाँ पे दे रहा है मुझे। और अभी तो मैं बहुत दिनों बाद पबजी खेल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें एकदम नूब हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत खेलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता मतलब बोलता हूँ कितना यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा दिया। तो फाइनली हम लोग जीत चुके हैं, और यहाँ पे मैंने गेम खेला 6 मिनट तक, 2:01 में शुरू किया था, तो यहाँ पर जैसे 6 मिनट तक गेम खेलने के वजह से यहाँ पे 6% चार्ज जो है ड्रॉप हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चार्ज लेता है, कंज्यूम करता है अभी के गेम खेलने के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी एकदम इशू नहीं है, एकदम स्मूथ गेम प्ले यहाँ पे चला है। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आजकल के 20-25 हज़ार के फ़ोन भी इतना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं दे सकते जितना कि ये 3 साल पुराना एप्पल का iPhone 8 A11 बायोनिक चिप के साथ दे रहा है। तो गाइस अभी आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ आईफोन OLX से खरीदने से पहले क्या करना है। तो मैंने इस आईफोन को OLX से लिया है 15,000 रुपये में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा एक डील मिल चुका है, और ये जो है 1.5 साल पुराना आईफोन है। तो यहाँ पे जब खरीदेंगे तो आप लोग बिल ज़रूर लेना, तो बिल देख सकते हैं यहाँ पे, बिल का प्राइस है 49,000, मतलब लगभग 50,000 का आईफोन है और ये 1.5 साल पुराना है, और इसको मैं 15,000 में लिया हूँ। तो आप लोग भी जब लेना तो बिल ज़रूर ले लेना, और उसके बाद फ़ोन के IMEI नंबर को चेक कर लेना और बिल के साथ IMEI नंबर को मैच कर लेना। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और लास्ट में एक अपडेट दे रहा था आप लोगों को, मेरा एक दूसरा चैनल है जो कि है रोडियो राइडर, उस चैनल में मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ, और अभी से जो आईफोन 8 से मैं उस चैनल में व्लॉग अपलोड करूँगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आईफोन 8 से कैसे व्लॉग किया जाता है, तो आप लोग उस चैनल को मुझे सब्सक्राइब करके रख लेना, वहाँ पर मैं जब व्लॉग अपलोड करूँगा इसी फोन से अपलोड करूँगा। और बस आज का वीडियो यहीं तक था, लाइक कर देना, एक लाइक इस वीडियो में दे देना, और जल्दी से मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।